और पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होना है। इसी क्रम में चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में लगा दी है। वहीं गठबंधन की तरफ से मेरठ हापुड़ लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री हाजी याकूब कुरैशी चुनावी मैदान में है। गठबंधन प्रत्याशी जनसभाएं कर लोगों को अपनी चुनावी प्राथमिकताएं बता रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीजेपी प्रचार के दौरान तीसरी बार मेरठ के प्रायोजित कार्यक्रम पर गठबंधन प्रत्याशी ने बीजेपी के ऊपर जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह अंग्रेजों को भगाने के लिए मेरठ की क्रांति धारा से बिगुल बजा था, उसी तरह बीजेपी को सत्ता से उतारने के लिए मेरठ से बिगुल बजेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका चुनावी मुद्दा मेरठ में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना, मेरठ को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाना, मेरठ में एयरपोर्ट लाना, साथ ही बीजेपी के हवा हवाई विकास के दावों की जगह सच्चाई में विकास कराना है। जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, कोई भी वादा पूरा नहीं किया, लेकिन हम जनता को सहूलत देंगे, किसानों के कर्जे माफ कराएंगे, हम किसानों की फसल की कीमत दुगनी कराएंगे, गन्ने का पेमेंट हम 15 दिन में, ये तो झूठ बोल कर गए हैं, हम गन्ने का पेमेंट 15-20 दिन में कराएंगे, और नौजवान लड़कों को नौकरियां दिलाएंगे, मेरठ में हाईकोर्ट बेंच लाएंगे।